हेलो एवरीवन, ये है लेक्चर 18। इसको हम कंसीडर करेंगे लेक्चर 18। तो लेक्चर 17 में हमने क्या शुरू किया था? लेक्चर 17 में हमने शुरू किया था राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो राइटिंग अचीव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, वो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। तो हमने राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में पेपर के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो पेपर के बारे में पढ़ लिया है, पेपर के अलावा आपको पढ़ना है पेन और पेंसिल, और इसके बाद आपको पढ़ना है इंक के बारे में। तो आज की इस वीडियो में होपफुली हम पेन पेंसिल एंड इंक कवर कर लेंगे। तो इंक के साथ साथ आपको एज ऑफ इंक भी देखनी है, एज ऑफ इंक भी आपको देखनी है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में एज ऑफ पेपर के बारे में डिस्कस किया था, एज ऑफ पेपर के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो ये सारे के सारे राइटिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके बारे में आपको पता होना इम्पॉर्टेंट है। एज ऑफ पेपर भी हमने देखा था, वो भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इसलिए है, वो बेस मटेरियल है। आपका जो पेपर है वो आपका बेस मटेरियल होता है, और उस बेस मटेरियल पर आप क्या यूज़ करते हैं, पेन यूज़ करते हैं या इंक यूज़ करते हैं। तो हम पहले पेन पढ़ेंगे, देन पेंसिल पढ़ेंगे, फिर इंक पढ़ेंगे। तो बॉल पेन कौन सी पेन है? तो बॉल पेन जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं वो पेन है। तो आप जो भी ब्लैक पेन यूज़ करते हैं, ब्लू पेन यूज़ करते हैं, उन्हें हम कहते हैं बॉल पेन। इंक पेन डिफरेंट होती है, इंक वाली पेन या जेल पेन भी जो होती है, हम जेल पेन एंड बॉल पेन रेगुलर बेसिस पे ये टर्म्स यूज़ करते हैं, जेल पेन और बॉल पेन। तो बॉल पेन हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि बॉल पेन, तो जो ये बॉल पेन है ना, वो जेल पेन भी होती है। जो भी ऐसी पेन से जिनमें बॉल यूज़ की जाती है, हम इस आगे स्टेटमेंट्स में पढ़ेंगे कि बॉल पेन क्या होती है। तो नॉर्मल पेन जिसे हम बॉल पेन कहते हैं, उसके अलावा जो इंक वाली पेन होती है, इंक दूसरी पेन होती है। इंक वाली पेन जब आपको कभी पेन लाइसेंस मिला होगा, जब आप स्कूल में होंगे, तो शुरू शुरू में जब आपको फोर्थ के बाद फिफ्थ क्लास आप जाते हो, तो फिर आपको पेन लाइसेंस मिलता। हमारे यहाँ पर ऐसा था, जब आपको पेन लाइसेंस मिलता तो आपको वो जो निब वाली, जो ऐसे निब वाली पेन होती है ना, ऐसे निब वाली पेन, इस निब वाली पेन से हमें लिखने को शुरू शुरू में कहा जाता था। तो हमने शुरू शुरू में ऐसी निब वाली इंक पेन से, इंक वाली यही पेन होती है, क्योंकि आपको इसमें या तो मैन्युअली इंक फिल करना होता है, या जो इंक फिल करने वाले फिलर्स आते थे, तो ये इंक पेन होते हैं। तो जो नॉर्मली आप जेल पेन यूज़ करते हैं, वो इंक पेन नहीं होते हैं। तो जेल पेन एंड बॉल पेन दोनों एक ही है, क्योंकि उनमें बॉल यूज़ करी जाती है एक हाउसिंग के थ्रू। तो आगे हम देखेंगे कि बॉल पेन क्या है। तो बॉल पेन से शुरू करते हैं, हमारा नेक्स्ट राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है पेन एंड पेंसिल। हमारा नेक्स्ट राइटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? पेन एंड पेंसिल। तो पहले पेन पढ़ेंगे एंड देन फिर पेंसिल पढ़ेंगे। अमंग द अदर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, द बॉल पेन हैज गेन्ड सो मच पॉपुलैरिटी एंड इट इज प्रोबेबली मोस्ट वाइडली यूज्ड राइटिंग इंस्ट्रूमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो भी हमारा राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा फेमस राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है बॉल पेन। तो बॉल पेन सबसे ज़्यादा फेमस है, और पूरी की पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में बॉल पेन ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, बॉल पेन ही वाइडली यूज़ किए जाते हैं। वाइडली यूज्ड राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है बॉल पेन, ठीक है? तो बॉल पेन है मेजरली वाइडली यूज्ड राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में, पूरी की पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बॉल पेन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्दो द इंस्ट्रूमेंट हैव बीन इन्वेंटेड इन द लेट 1800s। तो सबसे पहले बॉल पेन कब इन्वेंट हुआ था? लेट 1800s में हुआ था। लेट 1800s मीन्स 1900 शुरू होने वाला था। दिस राइटिंग इंस्ट्रूमेंट वॉज नॉट मास्ट प्रोड्यूस्ड अंटिल 1945। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि 1800s में, लेट 1800s में बॉल पेन का इन्वेंशन हो चुका था, बट 1945 तक मास प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ था। इट मीन्स कुछ ही लोग ऐसे थे जो बॉल पेन का यूज़ किया करते थे। 1800s में इन्वेंट होने के बावजूद भी 1945 बहुत लंबा गैप है। लेट 1800 फॉर एग्जांपल, अगर हम लेट 1800s को 1890 भी अगर माने, और 1945 में अगर तब तक मास प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ था, तो कितना लंबा गैप है।
बहुत बड़ा गैप है। तो सोचो 1800s में इन्वेंशन हो चुका है बॉल पेन का और 1945 तक मास प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ था क्योंकि ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, बट स्टिल अभी की डेट में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला जो पेन है वो बॉल पेन ही है। In 1945 में क्या हुआ, द रेनॉल्ड्स बॉल पेन वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो ये जो रेनॉल्ड्स बॉल पेन आपने स्कूल के टाइम में यूज़ किया होगा, अभी तो बहुत सारे क्लासमेट्स और लिंक ये सारे पेन्स आते हैं, बट एक ब्लू कैप वाला सब सब ने बचपन में, आई होप अभी जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने तो ये देखा ही होगा, तो एक वाइट कलर का पेन होता था, वाइट बॉडी होती थी और एक ब्लू कलर का इसका कैप होता था और एकदम इसमें वियर्ड सा ऐसे ऐसे वियर्ड सा ब्लू ब्लू कैप होता था एंड वाइट पेन होता था, रेनॉल्ड्स का पेन होता था। आपने कभी बचपन में यूज़ भी किया होगा, इट मीन्स स्कूल में यूज़ किया होगा। तो 1945 में रेनॉल्ड्स बॉल पेन इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में, ये फर्स्ट पेन था और न्यूयॉर्क सिटी में $12.50 में ये बेचा जाता। सिंस दैट टाइम बॉल पेन्स आर अचीविंग अक्लेम्ड एंड दे हैव मोस्ट सरपास्ड फाउंटेन पेन्स। तो फाउंटेन पेन्स की भी उतनी वैल्यू अब नहीं रही जब रेनॉल्ड्स बॉल पेन इंट्रोड्यूस हुआ 1945 में, और उसके बाद से ही जो बॉल पेन्स है वो यूज़ किए जाने लगे, फाउंटेन पेन्स का इस्तेमाल एकदम से बंद हो गया। फाउंटेन पेन का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा होता था, फिर बॉल पेन 1945 के बाद जब 1945 में मास प्रोड्यूस होने लगी तो फिर फाउंटेन पेन को भी बॉल पेन ने पीछे छोड़ दिया। फंक्शन ऑफ अ बॉल पेन, तो फंक्शन क्या है बॉल पेन का, हम उसे बॉल पेन क्यों कहते हैं, ऐसा क्या उसमें है जो हम उसे बॉल पेन कहते हैं, कोई और पेन क्यों नहीं कहते। द बॉल पेन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल रोटेटिंग बॉल, क्यों कहते हैं बॉल पेन, बिकॉज इट्स कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल रोटेटिंग बॉल फिटेड इन टू अ सॉकेट लाइक डिवाइस एट द एंड ऑफ अ ट्यूब विच एक्ट्स लाइक इंक सेवन एयर। तो आपके पास क्या होता है, एक छोटा सा जो ये फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा मैग्नीफाइड वर्जन ऑफ बॉल पेन बना रही हूँ, तो बॉल पेन क्या होता है, जो पेन रहता है वो एक राउंड सॉकेट फिट रहता है, उसका जो बाकी के आगे का जो सॉकेट है उसमें एक बॉल फिट होती है। एक बार फिर से अच्छे से बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं ये, तो ये फिट है बॉल, ये है उसका सॉकेट और इसके पीछे है इंक, क्या है उसके पीछे है इंक, फॉर एग्जाम्पल ये इंक है। तो जब ये जो स्मॉल बॉल फिट हुआ है, जब ये हम इसे इससे राइट करेंगे तो ये रोटेट होगा, और ये जब रोटेट होगा तो इंक वाला जो एरिया है वो सामने आ जाएगा और यहाँ से राइटिंग करेगा, एंड विदाउट इंक वाला एरिया फिर से पीछे चला जाएगा और यहाँ पे से इंक हमेशा लगती रहेगी। तो जो उसका सॉकेट है वो इंक डिपॉजिट वहाँ पे रहता है, आप समझ सकते हैं। और जब ये बॉल जब चलती है, रोटेट होती है, तब आप राइट करते हैं और वो इंक छप जाती है आपके राइटिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी पेपर है या किसी भी आप पेपर पे राइटिंग अचीव करना चाहते हैं। तो बॉल पेन हम इसलिए ही बॉल पेन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक स्मॉल बॉल फिट होता है एक सॉकेट में जिसके पीछे इंक का अमाउंट ज़्यादा होता है और वो रोटेट होता है राइटिंग के समय और राइटिंग का जो वर्क है वो हम अचीव करते हैं। द इंक इज फेड थ्रू बॉल हाउसिंग, अब इंक कैसे लगती जाती है, बॉल हाउसिंग के थ्रू बाय द ग्रेविटी, ग्रेविटी यूज होती है व्हेन बॉल रोटेट्स विद द मोशन ऑफ पेन, जब मोशन के साथ जो पेन है वो बॉल रोटेट होती है, अ थिन फिल्म ऑफ इंक इन द फॉर्म ऑफ इंक ट्रांसफॉर्म ऑन द राइटिंग सरफेस, जो कि मैंने बोला जब ये बॉल रोटेट होगी तो इंक है क्या है वो डिपॉजिट होता चला जाएगा आपके राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में, राइटिंग सरफेस में, और राइटिंग आपकी अचीव हो जाएगी। द इंक यूज इन बॉल पेन इज विस्कस पास्ट लाइक मटेरियल अनलाइक यूजुअल फ्लूइड इंक यूज इन द फाउंटेन पेन। तो जो बॉल पेन में इंक होती है, जो बॉल पेन में इंक होती है वो फाउंटेन पेन की इंक से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है क्योंकि वो विस्कस होती है नेचर में, फ्लूइड नेचर कम होता है, विस्कस नेचर ज़्यादा होता है बॉल पेन की इंक में, और जो फाउंटेन पेन की इंक होती है वो मोर फ्लूइड नेचर की होती है, मोर फ्लूइड लाइक।
ठीक है, तो बॉल पेन की इंक में एंड फाउंटेन पेन की पेन की इंक में इतना डिफरेंस है कि जो बॉल पेन की इंक है उसकी जो इंक है, जो बॉल पेन की इंक है वो मोर विस्कस होती है एज कम्पेयर टू द फाउंटेन पेन. वो ज़्यादा फ्लूइड लाइक होता है इंक फाउंटेन पेन का. तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बॉल पेन में एंड फाउंटेन पेन्स में. आइडेंटिफाइंग द मार्क ऑफ बॉल पेन. तो बॉल पेन के मार्क को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा मार्क जो है वो बॉल पेन का है, कौन सा मार्क है जो कि फाउंटेन पेन का है या इंक पेन्स का है. तो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट हैज सम डिफरेंट फीचर्स विच हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग इट फ्रॉम वन अनदर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट. तो फीचर्स कौन कौन से फीचर्स, वो है स्किपिंग. तो स्किपिंग एक फीचर है, गूपिंग एक फीचर है. गूपिंग और स्केपिंग यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स हैं. उसके बाद फिर हम पोरस टिप पेन्स के बारे में पढ़ेंगे. तो स्किपिंग बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और स्किपिंग सिर्फ और सिर्फ गूपिंग यहाँ पे शिफ्ट हो गया है एंड स्किपिंग यहाँ पे होगा, बट कोई बात नहीं. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्किपिंग और गूपिंग, ये मेजर मेजर फीचर्स हैं बॉल पेन के. बॉल पेन की राइटिंग के इम्पॉर्टेंट फीचर है स्किपिंग एंड गूपिंग. स्किपिंग एंड गूपिंग बहुत इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं बॉल पेन की राइटिंग्स में. इन अ बॉल पेन ड्यूरिंग राइटिंग समटाइम्स इंक डज नॉट पास थ्रू द रोटेटिंग बॉल. कई बार क्या होता है कि जो इंक है वो रोटेटिंग बॉल के साथ पास नहीं होती और वो जो एरिया है वो स्किप हो जाता है. दस द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रोक लैक्स production of stroke lacks ink and stroke and produces uninked stroke. तो यहाँ पे चलो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है SUNIL सुनील. तो ये जो एरिया है यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुई है स्किपिंग. क्या हुई है स्किपिंग? स्किपिंग क्यों हुई है? तो जो मैंने बताया था कि जो ऐसे बॉल प्रेजेंट रहती है जब ये रोटेट होती है तब लिखते हैं हम, तब लिखाई होती है, इंक डिपॉजिट होती है. तो कई बार क्या होता है जब ये बॉल रोटेट कर रहा होता है, ये रोटेट करता है तो जो इंक है उस रोटेशन में नहीं आ पाती है और वहाँ का जो एरिया है जब आप लिख रहे होते हैं वहाँ पे इंक रह जाती है, वहाँ पे इंक नहीं डिपॉजिट हो पाती और वो एरिया स्किप हो जाता है. इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? स्किपिंग कहते हैं. और स्किपिंग क्या है? बॉल पेन में, बॉल पेन की राइटिंग में, बॉल पेन की राइटिंग में आने वाला फीचर है. क्या है? बॉल पेन की राइटिंग में आने वाला फीचर है स्किपिंग. अब गूपिंग क्या होती है? द स्किपिंग शोज बिलो द फोटोग्राफ ऑफ लेटर एल. जैसे हमने प्रीवियस देखो, यहाँ पे जो लेटर एल है इसमें स्किपिंग आप देख सकते हैं. इसके अलावा गूपिंग क्या होती है? जो गूपिंग होती है उसमें डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है इंक का, विच इज नोन फॉर द डार्क डिपोजिशन. ज्यादा डिपोजिशन हो जाता है इंक का, जैसे कि इस यू लेटर में हुआ है. यहां पे जो आपको एक्स्ट्रा इंक डिपोजिशन दिख रहा है वो क्या है? गूपिंग. क्या है? गूपिंग. तो गूपिंग भी क्या है? इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग बॉल पेन की राइटिंग का फीचर है. जब आप लिखते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा डिपोजिशन आपको दिख रहा है, एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ इंक दिख रहा है, ये गूपिंग कहलाता है. और गूपिंग क्या है? ये एक बॉल पेन के राइटिंग का फीचर है, एक आइडेंटिफाइंग फीचर है. तो गूपिंग और स्किपिंग समझ में आ गई? तो गूपिंग और स्किपिंग के थ्रू आप बॉल पॉइंट पेन की राइटिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हम पोरस टिप पेन में देखेंगे. पोरस टिप पेन्स क्या होते हैं? पोरस टिप पेन्स वो पेन्स है जो आप मार्कर जिन्हें कहते हैं, जिन्हें आप मार्कर कहते हैं. तो मार्कर के अलावा भी जो पेन्स आते हैं, जो स्मॉल पेन्स आते हैं, स्मॉल निब वाले जो मार्कर पेन्स, हम रफ लैंग्वेज में, डे टू डे लेमैन लैंग्वेज में अगर बात करें तो जो स्मॉल पतली निब वाले मार्कर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं पोरस टिप पेन्स. क्या कहते हैं? पोरस टिप पेन्स. तो मार्कर्स यूजुअली हम नॉर्मल पेपर सरफेस में यूज नहीं करते थे, बट जो ये पोरस टिप पेन्स, जो स्मॉल मार्कर्स होते हैं ना, वो आप नॉर्मल जो नोटबुक के पेजेस होते हैं, जो नोटबुक के पेपर्स होते हैं उसमें भी आप यूज कर सकते हैं. तो द पेन्स आर ऑल्सो नोन एज
तो जो पेन है उन्हें और किन किन नामों से जानते हैं? फाइबर टिप पेन कहते हैं, नायलॉन टिप पेन्स भी कहते हैं, रीड पेन्स भी कहते हैं, सिंथेटिक टिप पेन्स भी उन्हें हम कहते हैं, फेल्ट टिप पेन्स भी कहते हैं, और ये आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं। क्यों फेमस हो रहे हैं? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी है इनके राइटिंग में और इंक डिपोजिशन में। जो स्ट्रोक्स हैं वो स्मूथ होते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ इंक स्मूथ होती है एज कंपेयर टू द अदर पेन्स। जैसे मैंने बोला कि स्किपिंग स्किपिंग और गूपिंग ये दो इंपॉर्टेंट बॉल पेन के फीचर्स हैं। तो स्किपिंग और गूपिंग में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इंक का नहीं हो रहा है। स्किपिंग में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। गूपिंग में एडिशन एक्स्ट्रा डिपोजिशन है इंक का। बट पोरस टिप पेन्स अभी क्यों फेमस हो रहे हैं? क्योंकि जो उसके स्ट्रोक्स हैं वो स्मूथ बनते हैं और स्प्रेडिंग ऑफ इंक इक्वल होती है। दीज टाइप ऑफ पेन्स आर अवेलेबल इन टू डिफरेंटली कंस्ट्रक्टेड राइटिंग टिप्स। तो दो अलग तरीकों के राइटिंग टिप्स पे बनाई जाती है। तो एक होता है स्टिफ पोरस प्लास्टिक पॉइंट, जो कि हार्ड पोरस फाइबर से बनता है। ठीक है, द वाइडर राइटिंग टिप्स प्रोड्यूसेस स्ट्रोक्स विथ ऑलमोस्ट फ्लैट अपीयरेंसेस। तो कैसे स्ट्रोक्स बनेंगे? फ्लैट अपीयरेंस वाले स्ट्रोक बनेंगे। कब बनेंगे? जब वाइडर राइटिंग टिप्स होंगे, जब जो राइटिंग टिप्स है वो वाइडर होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, ये वाइडर राइटिंग टिप्स है, तो जो स्ट्रोक्स है वो अपीयरेंस उनका फ्लैट होगा। विच ऑफन हैज ब्लंट बिगिनिंग स्ट्रोक्स एंड टर्मिनल्स। तो उसके बिगिनिंग स्ट्रोक्स है वो ब्लंट होंगे और टर्मिनल्स भी ब्लंट होंगे। द इंक लाइन जनरली हैज स्मूथ स्प्रेडिंग ऑफ इंक विद स्मूथ आउटलाइंस ऑफ द मार्जिन इन द स्ट्रोक। जैसे कि मैंने बोला, ये देखो अब यहाँ पे आ जाओ, तो ये जो ये वाला जो बेटर लिखा हुआ है ये वाइडर टिप से लिखा हुआ है, वाइडर टिप से लिखा हुआ पेन से है, पोरस टिप पेन्स के वाइडर पोरस टिप पेन से लिखा हुआ बेटर है। इसके अलावा ये एज कंपेयर टू द दिस अपर वाले बेटर से कम वाइड जो टिप वाला पोरस पेन होता है उससे लिखा हुआ है। तो ये मीडियम पॉइंट से लिखा हुआ है, फाइन पॉइंट से लिखा हुआ है, ब्रॉडर पॉइंट से लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो जो वाइडर टिप्स होते हैं उनके अपीयरेंसेस फ्लैट होते हैं, ब्लंट बिगिनिंग स्ट्रोक्स एंड टर्मिनल्स होते हैं। द फाइन राइटिंग टिप्स आर जनरली मेड ऑफ पोरस प्लास्टिक टिप्स। तो जो फाइन राइटिंग टिप्स वाले पेन होते हैं, जो फाइन राइटिंग टिप्स वाले पोरस पेन्स होते हैं, वो पोरस प्लास्टिक टिप से बनाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, जो इसके ग्रूव्स होते हैं स्ट्रोक के वो स्मूथ होते हैं। वेयर इज द मीडियम एंड वाइड राइटिंग पॉइंट्स डू नॉट क्रिएट एनी सच इंडेंटेशन। ठीक है, इंडेंटेशन यार पता नहीं क्यों ऐसे मैंने बोल दिया, बट ठीक है, आई एम सॉरी। तो जो राइटिंग जो फाइन राइटिंग टिप्स होते हैं वो एज कंपेयर टू दी वाइडर राइटिंग टिप्स थोड़े से ग्रूवी होते हैं, जो ग्रूवी स्ट्रोक्स होते हैं। हमने बोला कि जो वाइडर टिप वाले पेन होते हैं उनके जो स्ट्रोक्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, तो जो फाइन टिप वाले पेन होते हैं उनकी जो उनकी जो राइटिंग होती है वो ग्रूवी होती है एज कंपेयर टू दी वाइडर टिप वाले पेन। The pen writes with the capillary action. तो ये भी capillary action के through लिखते हैं, in which the ink flows down to the tip to the paper during writing. तो कैसे gravity के through travel करती है ink tip तक के और writing instrument पे, writing instrument के through हम writing achieve करते हैं। The ink used in these pens are generally fluid in nature. तो ये जो इनमें ink use की जाती है वो fluid nature होती है, ज़्यादा fluid होती है। जैसे हमने बोला था कि बॉल पेन में इंक कैसी होती है? विस्कस होती है। इंक कैसी होती है? इंक होती है विस्कस, और जो पोरस टिप पेन्स होते हैं उनमें फ्लूइड नेचर की इंक होती है, विच इज ईदर वाटर बेस्ड, या तो वो वाटर बेस्ड हो सकती है और सॉल्वेंट बेस्ड हो सकती है। जो इंक है वो वाटर बेस्ड इंक हो सकती है, सॉल्वेंट बेस्ड इंक हो सकती है, एंड सो इज कंपाउंडेड दैट इट ड्राइज अप क्विकली। तो ये जल्दी से सूख जाती है, जैसे ही पेपर के कॉन्टैक्ट में ये इंक आती है वो तुरंत ही सूख जाती है। दीज पेन्स हैव अ वेरी पिक्यूलर फीचर इन विच दैट इवन इफ यू स्टॉप राइटिंग द टिप ऑफ द पेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द पेपर देन इट विल
फॉर्म एन एक्यूमुलेशन ऑफ इंक, ये बहुत बार हुआ होगा कि अगर आपने उसका कैप नहीं लगाया, पोरेस्ट पेन का कैप नहीं लगाया और वो आपके पेपर की कॉन्टैक्ट में टच में है, तो धीरे धीरे करके इंक का डिपॉजिशन हो जाएगा और यहाँ पर बहुत बड़ा सा आपके इंक का धब्बा बन जाएगा आपके पेपर में। और सिर्फ इस पेज में नहीं, इसके बाद के दो पेजेस तीन पेजेस तक में ये वाली स्टेनिंग, ये जो पेन के इंक की स्टेनिंग है वो दिखने लगेगी। तो इसकी यही एक फीचर है कि अगर आपने कैप नहीं लगाया है और जो टिप है, पेन का टिप है, अगर वो किसी भी पेपर के कॉन्टैक्ट में या राइटिंग मटेरियल के, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट के कॉन्टैक्ट में है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ इंक हो जाएगा। समटाइम्स द पोरस टिप पेन्स विद अ ब्रॉड राइटिंग टिप्स में प्रोड्यूस अ सेकेंडरी लॉन्ग लाइन अलॉन्ग विद इट। तो ये क्यों होता है, कई बार जो ब्रॉड टिप के पेन होते हैं वो जब एक बार राइटिंग करते हैं तो एक सेकेंडरी लाइन भी बन जाती है, नॉर्मल एक बेस लाइन के साथ एक सेकेंडरी लाइन भी बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो उसके निप में वियर और टियर हुए हुए हैं, जो फाइबर लूज हुए हैं, जो फाइबर के बंडल से वो फाइबर अलग हो चुके हैं, वो एक सेकेंडरी पतली सी लाइन, तो ये आप ऐसे लिखते हैं, बट इसके फाइबर में कुछ दिक्कत हुई तो एक सेकेंडरी लाइन आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? ये प्राइमरी लाइन है, वन नॉट कर देती हूँ, ये है सेकेंडरी लाइन। तो सेकेंडरी लाइन कब देखने को मिलती है? जब ब्रॉडर टिप के जो पेन्स होते हैं उसमें कुछ फाइबर्स अगर लूज हो जाते हैं, उसकी टिप में कोई फाइबर लूज हो जाते हैं या फिर वेयर एंड टेयर की वजह से, ये सेकेंडरी लाइन भी पोरस टिप पेन्स में आपको देखने को मिलती है। दीज पेन्स आर जनरली अवेलेबल इन टू टाइप्स ऑफ टिप्स, ईदर द ब्रॉडर नेचर और द फाइनर नेचर। तो जो बड़े मार्कर्स होते हैं उनकी जो निब है, जो बड़े मार्कर्स होते हैं उनकी जो निब है वो बड़ी होती है, जो पतली निब होती है वो फाइन वाली निब होती है। तो आप जनरली नॉर्मल ये वाली पेन यूज़ किए होंगे, जो आप वाइट बोर्ड या कोई ऐसे बोर्ड होता है उसमें आप ये ब्रॉड नेचर वाली पोरस टिप पेन्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जो थिन नेचर वाली पोरस टिप पेन से आप यूजुअली पेपर्स पे लिखने का इस्तेमाल इससे करते हैं। तो ये हुए पोरस टिप पेन्स। रोलर पेन्स क्या होते हैं? रोलर पेन्स, तो रोलर पेन्स मॉडिफाइड पेन्स होते हैं। द बॉल पेन्स सो मॉडिफाइड टू राइट विद द फ्लूइड इंक आर कॉमनली रेफर्ड एज रोलर पेन्स। तो आप कह सकते हैं रोलर पेन्स महंगे पेन्स है। कभी आप स्टेशनरी शॉप में गए होंगे तो कुछ पेन्स होते हैं जो कि 2000 रुपीज़ के होते हैं, 3000 रुपीज़ के होते हैं, 1,500 रुपीज़, इट मीन्स 1,500 रुपीज़ के होते हैं। तो ये जो महंगे महंगे पेन है ना, आप कह सकते हैं ये है रोलर पेन्स। और वो जो आप 5 रुपये वाले पेन्स लेते हैं, 10 रुपये वाले, 15 रुपये वाले, 20, 25, 50, तो ये जो आप पेन्स लेते हैं ना, ये क्या हुए? ये बॉल पेन है। क्या है? ये बॉल पेन है। तो जो रोलर पेन्स है वो मॉडिफाइड वर्जन है बॉल पेन का, आप ये कह सकते हैं। क्या है? बॉल पेन का मॉडिफाइड वर्जन है रोलर पेन्स। टू राइट विद द इंक आर कॉमनली रेफर्ड एज रोलर पेन। दीज पेन्स आर सिमिलर टू द बॉल पॉइंट पेन्स इन कंस्ट्रक्शन। तो देखने में बॉल पॉइंट पेन के जैसे ही रोलर पेन्स दिखते हैं, बट मैंने बोला ना, ये जो महंगे पेन्स होते हैं इन्हें आप कह सकते हैं कि ये रोलर पेन्स है। जो आप कैजुअली, जो आप भी यूज करते हैं गरीबों का पेन, वो है बॉल पेन। दीज रोलर पेन्स समटाइम्स प्रोड्यूस ग्रूव्स। तो ये जो रोलर पेन्स है कभी कभी ग्रूव्स प्रोड्यूस करते हैं इन द स्ट्रोक्स इन द सेम मैनर एज द बॉल पेन। तो बॉल पेन के जैसे ही ग्रूव्स का क्रिएशन स्ट्रोक में रोलर पेन्स करते हैं। एंड दे समटाइम्स शो flowing back of the ink in the end of the strokes. तो कई बार क्या होता है, जो स्ट्रोक है उसके एंड पे आपको इंक फ्लो बैक का सिचुएशन देखने को मिलता है, आपको फ्लोइंग बैक ऑफ इंक देखने को मिलती है एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक। वेल द स्ट्रोक फाउंड इन द फाउंटेन पेन्स राइटिंग, लाइक द स्ट्रोक्स फाउंड इन द फाउंटेन पेन राइटिंग्स। तो फाउंटेन पेन की राइटिंग में जो एंडिंग स्ट्रोक्स होते थे, उसी की तरह ही रोलर पेन के भी आपको एंडिंग स्ट्रोक्स देखने को मिलेंगे। फाउंटेन पेन की जैसे ही एंडिंग स्ट्रोक आपको रोलर पेन्स की में देखने को मिल सकते हैं। द इंक फ्रॉम अ रोलर पेन इज जनरली फेयरली ब्रॉड विथ टेपर्ड बिगेनिंग एंड एंडिंग स्ट्रोक्स। तो जो इंक होती है रोलर पेन की, जनरली वो ब्रॉड, फेयरली ब्रॉड और टेपरिंग बिगेनिंग शो करते हैं आपके राइटिंग स्ट्रोक में, आपके स्पेशली आपके एंडिंग के स्ट्रोक में।
ठीक है। इसके बाद आ जाओ फाउंटेन पेन। रोलर पेन से मैं कुछ खास नहीं है, बट आपको जानकारी होनी चाहिए कि रोलर पेन क्या होते हैं। इसके बाद आते हैं फाउंटेन पेन। तो फाउंटेन पेन भी कभी ना कभी हो सकता है आपने यूज़ किए हो। फाउंटेन पेन आर यूज फ्रॉम द एंशियंट टाइम, तो ये बहुत एंशियंट टाइम से फाउंटेन पेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दे आर कंसिडर्ड वेरी क्लासिक, तो ये बहुत हम इसे क्लासिक मानते हैं। जो बहुत ऐसे कम हैं जिन्होंने ये यूज़ किया हुआ है फाउंटेन पेन्स, बहुत कम ही लोगों को सौभाग्य मिला हुआ है कि वो फाउंटेन पेन्स उन्होंने कभी यूज़ की हुई होती है। एंड दिस इज इट्स सेल्फ अ पर्टिकुलर फीचर ऑफ इट्स यूज़। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो गया कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने फाउंटेन पेन का इस्तेमाल किया है। तो फाउंटेन पेन जनरली हैव टू फ्लेक्सिबल नब्स। तो जो फाउंटेन पेन होते हैं उनके उसके दो फ्लेक्सिबल नब्स होते हैं विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइन्स ऑफ वेयरिंग विड्थ। तो अलग अलग विड्थ की लाइट बनाने में आप विड्थ की लेंथ की जो राइटिंग है उसे बनाने में लाइन्स बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। फ्लैक्सीबिलिटी ऑफ पॉइंट एंड प्रेशर अप्लाइड ड्यूरिंग राइटिंग, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी फ्लैक्सीबिलिटी कैसी है, आप कितना प्रेशर लगा रहे हैं फाउंटेन पेन से लिखने के लिए। मोस्ट ऑफ द फाउंटेन पेन ऑफ मॉडर्न सिनेरियो हैव कंपैरेटिवली स्टिफ निब्स। तो जो फाउंटेन पेन है उसकी निब एज कम्पेयर टू दी अदर पेन्स थोड़ी स्टिफ होती है, विच रिस्ट्रिक्ट शेडिंग, जो कि शेडिंग का क्रिएशन करती है। शेडिंग क्या होती है, जब आप लिख रहे हो तो ये जो शेड बनता है ना, जो शेड, जैसे कि मैं ए लिखूंगी तो जो इनिशियल स्ट्रोक है वो बहुत थिन होगा, बट लिखते लिखते ये शेडिंग होती चली गई और फिर ये फिर से थिन हो जाएगी। जैसे कि ये थिन है, ये वाला एरिया थिन है, बट इतने इतना जो एरिया है ये क्या है, थिक है। तो ये जो चेंजेस है इसे हम कहते हैं शेडिंग की। इन एरियाज पे कुछ शेडिंग हुई है, इन एरियाज पे कुछ शेडिंग हुई है, तो निब स्टिफ होने की वजह से फाउंटेन पेन से जो शेडिंग है वो ज़्यादा बनती है। जो स्ट्रोक यूनिफॉर्म स्ट्रोक्स होते हैं वो पोरस टिप पेन के कंपैरिजन में कम, एज कम्पेयर टू द पोरस टिप पेन्स, वो इनमें शेडिंग ज़्यादा होती है। फाउंटेन पेन्स में शेडिंग ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द पोरस टिप पेन्स, क्योंकि पोरस टिप पेन्स बहुत स्मूथ होते हैं, पर जो हमारे फाउंटेन पेन्स है उनकी जो निब होती है वो थोड़ी सी स्टिफ होती है और उसकी वजह से ही आपको शेडिंग देखने को मिलती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द फाउंटेन पेन इज दैट दे यूज लिक्विड इंक, कि जो फाउंटेन पेन्स है वो लिक्विड इंक का इस्तेमाल करते हैं, विच हैज अ टेंडेंसी टू पेनिट्रेट डीप इन द पेपर फाइबर। तो जो पेपर में जो इंक है वो पेनिट्रेट ज़्यादा होता है क्योंकि आप लिक्विड इंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो लिक्विड इंक है वो पेपर की फाइबर में क्या होगी, ज़्यादा पेनिट्रेट होगी, डीपली पेनिट्रेट होगी। दीज द फाउंटेन पेन्स विच कंसिस्ट ऑफ अ ब्रॉडर निब पॉइंट गिव राइज ऑफ कंपैरेटिवली मोर शेडेड स्ट्रोक। तो जो फाउंटेन पेन है जिसकी निब क्या है, ब्रॉड निब है, तो जितनी ब्रॉड निब है वो शेडिंग उनमें उतनी ज़्यादा होगी। ब्रॉड निब शेडिंग हाई होगी, स्मॉल निब शेडिंग क्या होगी, कम होगी। तो ये याद रखना है। तो जो शेडिंग है वो एंगल पे भी डिपेंड करता है। अगर आप पेन बिल्कुल 90 डिग्रीज में लिख करके लिखते हैं तो शेडिंग क्या होगी, शेडिंग होगी अमाउंट पे लो। अगर आप ऐसे एंगल बना के लिखते हैं तो शेडिंग होगी हमेशा ज्यादा। तो डिपेंड करता है एंगल पे ही कि आप कौन से एंगल पे राइटिंग अपना कर रहे हैं जिससे कि स्ट्रोक्स में शेडिंग होगी या नहीं होगी। अब आ जाते हैं हम पेंसिल पे। क्या किस पे आ रहे हैं, हम पेंसिल पे आ रहे हैं। द पेंसिल इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये भी फाउंटेन पेन की तरह एंशियंट राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, एंशियंट राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। एंड द बेस्ट फैक्टर अबाउट द राइटिंग इंस्ट्रूमेंट इज दैट इट हैज मेंटेन्ड इट्स प्लेस एंड इम्पॉर्टेंट राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और इसका खुद का अपना एक प्लेस है, अपनी एक जगह है। तो जैसे मैंने बोला कि पेंसिल की टिप क्या होती है, पेंसिल की टिप बनी होती है ग्रेफाइट की, पेंसिल की टिप बनी होती है ग्रेफाइट की। द इंस्ट्रूमेंट हैज नॉन फ्लेक्सिबल राइटिंग टिप। तो जैसे हमने बोला जो पेंसिल की टिप है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, ग्रेफाइट उसके अंदर होता है, तो ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं होती है। जो पेंसिल की निब होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है, इट इज़ कंटिन्यूसली रब्ड ऑफ।
तो जैसे जैसे आप लिखते हैं, जैसे जैसे आप पेंसिल के इस्तेमाल करते हैं, तो जो पॉइंटेड एरिया होता है, ग्रेफाइट होता है, वो धीरे धीरे ब्लंट होता चला जाता है और रब्ड ऑफ हो जाता है। फिर आपको फिर से शार्प करनी पड़ती है अपनी पेंसिल। व्हाइल डिपोजिशन ऑफ सॉलिड मैटर इन द फॉर्म ऑफ रिटन लाइन्स ऑन द सर्फेस ऑफ पेपर, तो जब अब आप लिखते हैं तो जो डिपोजिशन हो रहा है, किसका डिपोजिशन हो रहा है, ग्रेफाइट का ही डिपोजिशन होगा क्योंकि पेंसिल में ग्रेफाइट ही तो है। तो जब आप राइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल तो डिपोजिशन होगा ग्रेफाइट का। इसीलिए ही आप पेंसिल को इरेज भी कर सकते हैं थ्रू इरेजर, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ हार्डनेस कि कितनी हार्ड ग्रेफाइट निब है उस पेंसिल की, राइटिंग की प्रेशर, आप कितना प्रेशर इस्तेमाल कर रहे हैं राइट करते हुए, एंड द नेचर ऑफ राइटिंग, राइटिंग का नेचर कैसा है और सरफेस कैसा है। द पेंसिल स्ट्रोक वेरी इन देयर नेचर एंड इंटेंसिटी, तो जो नेचर एंड इंटेंसिटी है वो वेरी करेगा। पहले तो देखना पड़ेगा कि जो टिप है वो हार्ड है या नहीं है, राइटिंग प्रेशर कोई भी राइटर लगाता कितना है, राइटिंग सरफेस कैसा है। फॉर एग्जांपल मैं पेपर में बहुत अच्छा लिखती हूँ पेन से, पेपर में मैं पेंसिल से, सॉरी पेंसिल से बहुत अच्छा लिखती हूँ, बट अगर मुझे पेंसिल से ही किसी रफ पेपर में लिखने को कहा जाए तो मेरी हैंड राइटिंग गड़बड़ा जाएगी, बदल जाएगी। तो डिपेंड करता है कि पेंसिल का जो नेचर ऑफ इंटेंसिटी है, प्रेशर है, राइटिंग सरफेस है, वो अगर बदलता है तो हैंड राइटिंग में भी स्लाइटली डिफरेंस आने के चांसेस होते हैं इन पेंसिल। व्हेन वन राइट्स विथ वीक प्रेशर द वेयर ऑफ ग्रेफाइट इज लेसर, तो जब आप वीक प्रेशर से लिखेंगे पेंसिल से तो जो ग्रेफाइट है वो कम वेयर होगा, कम उसका डिपोजिशन कम होगा। ऑफ कोर्स जब आप ज़्यादा प्रेशर लगा के लिखेंगे तो ज़्यादा डिपोजिशन होगा ग्रेफाइट का और प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, कम प्रेशर से लिखेंगे तो ग्रेफाइट डिपोजिशन कम होगा और जो सरफेस का पेपर है, जो सरफेस का पेपर है वो वीक भी कम होगा लाइट राइटिंग से, प्रोड्यूसिंग लाइटर स्ट्रोक। एंड when वन राइट्स विद द हैवी प्रेशर, अगर कोई पर्सन है जो हैवी प्रेशर से राइट करता है लाइक मी, द वेयर ऑफ ग्रेफाइट इज मोर, ग्रेफाइट का डिपोजिशन भी ज़्यादा होता है और सरफेस ऑफ पेपर भी अफेक्ट होता है और डार्कर स्ट्रोक्स बनते हैं, गाढ़े स्ट्रोक्स बनेंगे, पेपर का सरफेस भी डिस्टर्ब होगा प्रेशर की वजह से, ग्रेफाइट का डिपोजिशन भी ज़्यादा होगा। तो लाइट प्रेशर एंड हैवी प्रेशर में ये डिफरेंस होता है, लाइट प्रेशर में, वीक प्रेशर में डिपोजिशन ग्रेफाइट का कम होता है, जो सरफेस पेपर का है वो खराब कम होता है और इंडेंटेशन मार्क्स भी कम आते हैं, हैवी प्रेशर में ग्रेफाइट का डिपोजिशन ज़्यादा होता है, पेपर का सरफेस भी डिस्टर्ब होता है और डार्कर स्ट्रोक्स बनते हैं। Due to smooth and rounded points, the pencil, like a ball pen, enables the writer to write faster. क्योंकि ये smooth होते हैं, rounded point होते हैं, इसलिए ही ball pen की तरह किसी भी person को जल्दी जल्दी लिखने में help करते हैं as compared to the fountain pen. Fountain pen में लिखने में time लगता है, but pencil और ball pen से लिखने में time ज़्यादा नहीं लगता, आप जल्दी लिख लेते हैं. This can be of little benefit of all the forgers in the In the back allows the signature of the withdrawal with the help of pencil, because the instrument of writing reveals less about the pen lifts, pen pauses. तो अगर कभी भी पेंसिल का इस्तेमाल पेन की जगह किया जा रहा है तो ये हमेशा बेनिफिट रहेगा फॉर्जर्स को, ये वो फॉर्जरी करने के चांसेस उनमें ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि जो पेंसिल होती है वो राइटिंग जो है वो पेन लिफ्ट्स रिवील नहीं कर पाती, पेन पॉजेस रिवील नहीं कर पाते, तो ये फॉर्जर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, बहुत अच्छी बात हो जाती है, फेवर में बात हो जाती है कि अगर पेंसिल का इस्तेमाल करना है तो आइडेंटिफिकेशन बहुत हद तक कम हो जाता है क्योंकि पेन लिफ्ट समझ में नहीं आते, पेन पॉजेस समझ नहीं आते, कोई भी पर्सन उस राइटिंग को इरेज करके कुछ और भी उस प्लेस पे लिख सकता है, बट हाँ जो पेपर का सरफेस है वो डिस्टर्ब तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट है हमारी इंक, तो इंक के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हमने क्या कहा था, ये कौन सा लेक्चर है, लेक्चर 18, तो लेक्चर 19 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने देख लिया कि बॉल पेन या पेन कैसे इस्तेमाल किया जाता है डॉक्यूमेंट में, बॉल पेन का इस्तेमाल कैसे होता है, फंक्शनिंग ऑफ बॉल पेन क्या होता है, आइडेंटिफाइंग फीचर्स कैसे होते हैं, इसके अलावा पोरस टिप पेंस हमने देख लिया, रोलर पेंस, फाउंटेन पेंस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, पेंसिल के बारे में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ली, एंड देन अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इंक। इंक कौन सी क्लास में पढ़ेंगे, इंक पढ़ेंगे हम क्लास 19 में, किस में पढ़ेंगे, लेक्चर 19 और क्लास 19। अभी ये प्रीवियस वाला था,
18th लेक्चर आई थिंक, 17th और 18th लेक्चर होगा, मैं भूल रही हूँ, बट ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंक, इंडियन इंक, एरेंटानेट इंक, डाई स्टफ इंक, इन सारी चीज़ों के बारे में, इंक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एग्जामिनेशन ऑफ इंक पढ़ेंगे एंड एज ऑफ इंक पढ़ के राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम फिनिश कर देंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय.